ओके लेट्स स्टार्ट. मुद्रा इज ऑल फिंगर्स क्लोज्ड ओनली स्मॉल फिंगर अप. ओके हम अपने से स्टमक के पास रखें. क्लोज योर आईज. डीप इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल ऑल द पॉजिटिव एनर्जी. एक्सहेल ऑल द नेगेटिव एनर्जी. इनहेल एक्सहेल इनहेल ऑल द डिवाइन एनर्जीज. एक्सहेल ऑल द नेगेटिव एनर्जीज. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. फोकस ऑन योर ब्रीथिंग पैटर्न. अपनी आती और जाती हुई श्वास को महसूस करें. से थैंक्स टू रेकी एनर्जी. Say thanks to all divine energies. Say thanks to everyone. अपनी आते जाते श्वास पे ध्यान केंद्रित करें. धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर जाएं. और ध्यान से देखें महसूस करें आपके सर के थोड़ा सा ऊपर कुछ है. आपके आप अपना ध्यान और ऊपर
आसमान में केंद्रित करें, बहुत ध्यान से देखें, स्वर्ग से एक गोल्डन लाइट, एक सुनहरे रंग की ऊर्जा, सीधे आपके ऊपर आ रही है। और धीरे धीरे आपके सर के अंदर चली गई है। अब ये सुनहरे रंग की ऊर्जा, द गोल्डन डिवाइन एनर्जी, जो कि सीधा स्वर्ग से आई है, आपके पूरे सर में भर चुकी है। धीरे धीरे ये नीचे बढ़ती हुई सभी प्रकार के विकारों, सभी प्रकार के नेगेटिविटीज को अपने अंदर लेती हुई ये गोल्डन एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा में भर चुकी है। थर्ड आई चक्रा से आपके पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। ऐसा होता हुआ देखें, थर्ड आई से ये आपके पूरे फेस, आंख, नाक, कान, मुंह, सब तरफ फैल गई है। और अब ये एनर्जी आपके थ्रोट चक्रा में एंटर कर गई है और आपका थ्रोट चक्रा, आपकी गर्दन, इसमें पूरी तरह से लिपट चुकी है। सर से गर्दन तक आप पूरे गोल्डन हो चुके हो।
अब ये प्रकाश आपके शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, चेस्ट में पूरा भर चुका है। अब ये गोल्डन प्रकाश आपके हार्ट चक्रा में भर चुका है। हार्ट चक्रा में भरते ही ये गोल्डन एनर्जी आपके चेस्ट के पीछे अपर बैक में भी भर चुकी है। सर से चेस्ट तक का पूरे गोल्डन हो चुके हो। आप महसूस करोगे इस गोल्डन भाग में एक अलग ही अद्भुत ही सुख का अनुभव हो रहा है। आप आनंदित हो रहे हो। ये एनर्जी और तेजी से नीचे की ओर बढ़ती हुई आपके सोलर प्लेक्सेस और पूरे स्टमक में फैल गई है। आपके मिडल बैक में भी ये एनर्जी भर चुकी है। ये आपके अंदर बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर में पूरी तरह से भर चुकी है। आपका एक एक अंग प्रकाशमान हो रहा है। गोल्डन एनर्जी से जगमगा रहा है। ये एनर्जी अब सेक्रल चक्रा आपके सेक्रल चक्रा और लोअर बैक में भर चुकी है। सेक्रल चक्रा से ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके लोअर बैक में भर चुकी है। सर से लेकर पेट तक आपका ऊपर का शरीर का भाग पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है। सेक्रल चक्रा से ये गोल्डन एनर्जी आपके रूट चक्रा बेस ऑफ स्पाइन में भर चुकी है। तेजी से आपके हिप्स और थाइस में भर रही है। थाई से आपके घुटनों से आपकी काफ मसल्स
आपके पैरों में भर चुकी है, सर से लेकर पांव तक आप गोल्डन हो चुके हो। आप अपने अंदर झांक कर देखो, वो भी गोल्डन है। आप बाहर से देखो, आप इस गोल्डन एनर्जी से जगमगा रहे हैं। इसी अवस्था में रहें, एनर्जी को ऊपर और नीचे बहते हुए देखें। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार घूम रही है। आपके अंग अंग को ऊर्जावान, शक्तिवान बना रही है। ऐसा होते हुए देखें और महसूस करें। मन ही मन या जोर से क्राउन चक्रा के बीज मंत्रा ओम का उच्चारण करें। ये ओम का उच्चारण आप मुंह बंद कर कर ही करें। लिप्स को खोले नहीं। जैसे जैसे आप इस ओम की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर केंद्रित करें और देखें यहाँ पे कोई एनर्जी। ये गोल्डन एनर्जी और तेजी से घूमती हुई
हुआ। आपके क्राउन चक्रा पे आपको एक फूल दिखाई देगा, ध्यान से देखें, वो फूल कैसा है, कौन सा है, ये देखने की कोशिश करें। मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें। आपके क्राउन चक्रा इस फूल को देखें, इसके रंग को देखें, इसको पहचाने ये कौन सा फूल है। आपके आसपास इस गोल्डन एनर्जी को और प्रकाशवान होता हुआ देखें। आप लगातार ऊर्जावान होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इस प्रकाश को अपने अंदर समाहित होता हुआ देखें। ये गोल्डन प्रकाश जो सीधा स्वर्ग से आपके लिए ही आया था, आपके अंदर ही समाहित हो रहा है। फीट्स धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पांव के अंदर पूरी तरह समा गया है। काफ मसल, नीज, पूरी तरह इनके अंदर ये गोल्डन कलर की डिवाइन एनर्जी आपके अंदर समाहित हो गई है। थाई, हिप्स, आपका रूट चक्रा अब अपने नेचुरल ब्राइट रेड कलर में है। इसने इस गोल्डन एनर्जी की सारी पावर एनर्जी को अपने अंदर भर लिया है। उसी प्रकार से सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, इन सब में ये गोल्डन एनर्जी अच्छी तरह से
स्थापित हो चुकी है। अब ये गोल्डन एनर्जी सोलर प्लेक्सिस से आपके हार्ट चक्रा में समाहित हो रही है, समाहित होते ही आपका हार्ट चक्रा अपने नेचुरल कलर ग्रीन में आ गया है। इसी प्रकार से थ्रोट चक्रा थर्ड आई चक्र और अब क्राउन चक्र, ये अपने सभी चक्रों में अच्छी तरह से स्थापित हो गई है। आपके सभी मेजर सेवन चक्र अपने नेचुरल कलर में स्थापित हो गए हैं। पहले से ज्यादा और ऊर्जावान, अपने नेचुरल कलर में लगातार तेजी से घूम रहे हैं और अपना सभी प्रकार के कार्य अच्छे से कर रहे हैं। ये गोल्डन एनर्जी अपने क्राउन चक्रा में तेजी से घूम रही है। आपका क्राउन चक्रा, जहां पर आपको एक फ्लावर भी दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन एनर्जी उसमें भरते जा रही है। ये फूल कोई और नहीं, कमल का फूल है, लोटस फ्लावर। आपका क्राउन चक्रा अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मन ही मन या जोर से कहें, माई क्राउन चक्रा इज फुली एक्टिवेटेड, माई क्राउन चक्रा इज एक्टिव नाउ, माई क्राउन चक्रा इज एक्टिव नाउ, माई क्राउन चक्रा इज एक्टिव नाउ। माई क्राउन चक्रा इज वर्किंग वेल, आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स फॉर ऑल द स्पिरिचुअल गाइडेंस, आई एम रेडी टू रिसीव द स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड नॉलेज। आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई एम अ डिवाइन बीइंग,
आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई नो माई सोल पर्पस, नाउ आई एम फुली अवेयर अबाउट माई सोल पर्पस, मुझे अपने आत्मा का पर्पस पता चल गया है, मैं अब उसी के अनुकूल कार्य करूंगी या करूंगा। माई क्राउन चक्रा इज एक्टिव नाउ, आई एम रेडी टू रिसीव द स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अपने हाथों की मुद्रा को खोलें, नमस्ते पोजीशन में लेकर आएं, एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन, थैंक्स टू दिस गोल्डन डिवाइन एनर्जी, दिस ग्रोइंग पावर। स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्विस्ट एंड टर्न योर बॉडी, रब योर बोथ हैंड्स, एंड कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर क्राउन चक्रा, थ्री फिंगर्स अबव योर हेड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। जब आप मैम बोला कि आप एक कोई फ्लावर को सोचो, तो मेरे मन में तुरंत ही लोटस आया मैम। तो इसका मतलब वो एक्टिव हो गया ना पहले ही, हाँ मतलब आपको पता ऐसे है पहले इंस्टेंट। हाँ मैम। से, आपको नॉलेज है पहले से कि कौन सा फ्लावर नहीं होता हाँ ये सब ऐसा मालूम है मुझे, है। लेकिन एकदम आपने बोला और इंस्टेंट अपने को आना चाहिए। कल तो बहुत सारे फ्लावर्स का अपन देखते हैं, सोचते हैं, पर तुरंत बिल्कुल, लोटस ही आया। हाँ तो वो इसीलिए आया ना, तभी मैंने आपको वो 3 दिन की जर्नी में रखा कि अगर आपका थर्ड आई अच्छे से नहीं एक्टिव होगा, काम नहीं करेगा, तो आप आगे और नहीं बढ़ पाओगे, आपको वो जो अभी एकदम से दिखा वो नहीं दिखता, इसीलिए वो पहले मिस्ट्रिक ही रखा कि आप लोगों को अपने आप से ओके दिखे, कोई भी जब इस मेडिटेशन को करे तो उसको अपने आप से दिखे या पता चले कि उसको कौन सा फ्लावर दिख रहा है। ओके ओके थैंक यू मैम। दिस गुड, चलो तो ये सारे रिकॉर्डेड हैं सेशन, आपके यूट्यूब पे ही मैंने डाले हैं।